हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों. मैं विशाल शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर. किस टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ बेटा आपके लिए? ऑब्जर्वर इज मूविंग एंड सोर्स इज एट रेस्ट इन डॉपलर इफेक्ट. हमने लास्ट टू वीडियोस में क्या कवर किया? पहली वीडियो डॉपलर इफेक्ट की हमने उसमें कवर किया कि जब रिलेटिव मोशन नहीं होता तो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी और एक्चुअल फ्रिक्वेंसी क्या रहती है? सेम रहती है. और जब क्या होता है बेटा? रिलेटिव मोशन होता है जब सोर्स मूव करता है, चाहे सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे चाहे सोर्स ऑब्जर्वर से दूर मूव करे. दोनों ही केसेस में क्या होता है बेटा? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस होता है. अब मैं तीसरी वीडियो लेके आया हूँ डॉपलर इफेक्ट की. इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जर्वर इज मूविंग. अब ऑब्जर्वर मूव करेगा लेकिन सोर्स नहीं मूव करेगा. अब ऑब्जर्वर दो तरीके से मूव कर सकता है, या तो ऑब्जर्वर सोर्स के पास आए या ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाए. तो चलो वन बाय वन स्टडी करते हैं. सबसे पहले मान लेते हैं सर, ये है आपका ऑब्जर्वर, ठीक है, और ये है आपका सोर्स. देखो मज़ेदार बात, तो मैंने आपको बोला कि टाइम जीरो पे मैं मान लेता हूँ कि सोर्स से मैक्सिमम साउंड निकली, मैक्सिमा निकला साउंड का, ठीक है, क्रेस्ट निकला, ठीक है. अब इसको ऑब्जर्वर तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और ऑब्जर्वर किस स्पीड से चल रहा है? ऑब्जर्वर मान लो पास आ रहा है वी नॉट स्पीड से. तो मैं एक केस ले रहा हूँ, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स. ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स, ठीक है सर. बहुत बढ़िया, मैं ये केस लेके चल रहा हूँ. अब टाइम जीरो पे यहाँ से साउंड निकल चुकी है वी स्पीड से और ऑब्जर्वर कान पास आ रहा है, तो रिलेटिव मोशन इनके बीच में कितना है? वी प्लस वी नॉट रिलेटिव स्पीड हुई, तो डिस्टेंस कितना चलना है? डी. तो पहली बार मैक्सिमम साउंड कब सुनाई देगी? डी अपॉन वी प्लस वी नॉट टाइम पे, ठीक है बेटा. सोर्स जब चलता था ना तो साउंड डिटैच हो जाती थी और ऑब्जर्वर तो वहीं खड़ा रहता था, तो सोर्स साउंड को कितना चलना पड़ता था? डी चलना पड़ता था, ठीक है. अब क्या है, सोर्स नहीं चल रहा है, साउंड डिटैच हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर रिलेटिव में वी प्लस वी नॉट आया है, ठीक है ना. बोलो क्लियर है? क्योंकि दोनों दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना, तो स्पीड इनकी आने की क्या है? अप्रोचिंग स्पीड बढ़ रही है, ठीक. अब टी टू. टी टू टाइम कौन सा टाइम होता है? ये टाइम वो टाइम है जब मैक्सिमम साउंड पहली बार सुनाई दी ऑब्जर्वर को, ठीक है. अब टी टू टाइम कौन सा टाइम है सर? टी टू टाइम है, अब सुनो, अब टी नॉट टाइम तक तो पहली बात यहाँ से निकल चुकी होगी वेव, मतलब यहाँ से ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका होगा, बिल्कुल सही बात है. अब टी नॉट टाइम बाद यहाँ से मैक्सिमम साउंड दोबारा निकलेगी, बहुत बढ़िया, क्लियर है इसको. तो टी नॉट टाइम तो आ ही गया, प्लस अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनते हो तो साउंड सोर्स जो साउंड वेव है उसका जो मैक्सिमम है यहाँ पर है और ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर है, ठीक है ना. अब इस ऑब्जर्वर को ये कब सुनाई देगा? अब दोनों मूव कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा? डिस्टेंस कितना है? डी माइनस वी नॉट टी नॉट. बोलो क्लियर है? और अप्रोचिंग स्पीड क्या है? वी प्लस वी नॉट. बोलो क्लियर है? अप्रोचिंग स्पीड इज व्हाट? वी प्लस वी नॉट. तो ये दूसरी बार जब मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी, क्लियर है आपको? एक बार फिर से, टी टू टाइम कौन सा टाइम है जब दूसरी बार मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी? तो दूसरी बार मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी, दूसरी बार निकलेगी तो सही, तो निकलने में कितना टाइम लगता है? टी नॉट. अब उसको पहुंचने में कितना लगेगा ऑब्जर्वर तक? ऑब्जर्वर भी चल चुका है तब तक कितना? वी नॉट टी नॉट. तो डी में से वी नॉट टी नॉट निकाल दो डिस्टेंस. और अप्रोचिंग स्पीड क्या है? वी प्लस वी नॉट. डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ गया? टाइम. बोलो क्लियर है? अब टी टू माइनस टी वन, पहली बार जब साउंड सुनाई दी मैक्सिमम और जब दूसरी बार सुनाई दी, इनके बीच का डिफरेंस होता है टाइम अपेरेंट. तो डिफरेंस ले लो सर, कितना आ गया? टी नॉट प्लस डी माइनस वी नॉट टी नॉट अपॉन वी प्लस वी नॉट माइनस डी अपॉन वी प्लस वी नॉट. बहुत बढ़िया. तो अपेरेंट टाइम पीरियड क्या आ जाएगा सर? अब देखो, डी बाय वी प्लस वी नॉट ही कट गया, अब बचा क्या? टी नॉट कॉमन ले लो. बहुत बढ़िया. अब टी नॉट कॉमन ले लिया सर आपने, यहाँ से दोनों से टी नॉट कॉमन ले लिया, वी प्लस वी नॉट आपका एलसीएम आ गया सर. बहुत बढ़िया. अब वी प्लस वी नॉट इधर चला गया, अब में से वी नॉट गया, कितना आ गया? वी आ गया. बोलो क्लियर है? तो इनका इसका रेसिप्रोकल, अपेरेंट टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है सर? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी. तो सर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या आ चुकी है? ध्यान से देखो, एफ नॉट रेसिप्रोकल कर दो वी प्लस वी नॉट अपॉन वी. वी किसकी स्पीड है? साउंड की. और वी नॉट किसकी स्पीड है? ऑब्जर्वर की. और सोर्स, सोर्स तो यहाँ चल ही नहीं रहा. बोलो क्लियर है? ये वो केस था जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है, ठीक है. अब मैं आपको केस बताता हूँ जब ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा होगा. इसको नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो. ले लिया? चलो अब मैं आपको केस बताता हूँ जब ऑब्जर्वर क्या कर रहा होगा बेटा, सोर्स से दूर जा रहा होगा. चलो अब वो वाला केस पढ़ते हैं.
इसको बढ़िया से मिटा देते हैं चकाचक एकदम, ठीक है। चलो अब आएगा ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे, मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, बोलो क्लियर। ये वाला हम पढ़ने वाले, चलो बना लेते हैं बेटा। ये आपका ऑब्जर्वर हो गया, ये आपका सोर्स हो गया, ठीक है। टाइम जीरो पे मान लो इससे मैक्सिमम साउंड निकली, और किस स्पीड से निकली सर, वी स्पीड से निकली। डिस्टेंस कितना है डी, और अब यहाँ से सोर्स चल ऑब्जर्वर चलना हुआ शुरू हुआ वी नॉट स्पीड से, ठीक है। बहुत बढ़िया, अब ये इसके कान तक कब पहुँचेगी, बहुत बढ़िया। क्या टी वन टाइम पर पहुँचेगी, कितना टाइम होगा, कितना डिस्टेंस चलना है बोलो डी, और अप्रोचिंग स्पीड क्या है वी माइनस वी नॉट, तो डिस्टेंस अपॉन अप्रोचिंग स्पीड, बोलो सही है। टी टू टाइम, जब दूसरी बार मैक्सिमम साउंड पहुंचेगी, अब दूसरी बार मैक्सिमम साउंड पहली बार तो निकलेगी कितनी देर बाद, टी नॉट टाइम बाद। अब टी नॉट टाइम तक ये पहुंच चुका होगा, यहाँ पर कितना चल चुका होगा ये वी नॉट टी नॉट, बोलो क्लियर है। ये अभी भी चल रहा है वी नॉट स्पीड से, बोलो सही बात है। अब दूसरी बार मैक्सिमम साउंड निकली, अब दूसरी बार मैक्सिमम साउंड निकली तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको, टी नॉट टाइम तो बीत चुका है, प्लस डी प्लस वी नॉट टी नॉट, डिस्टेंस ट्रेवल करना है कि नहीं करना उसको, बिल्कुल करना है। और अप्रोचिंग स्पीड क्या है, फिर से वी माइनस वी नॉट, बोलो क्लियर है। ये वो टाइम है जब दूसरी बार मैक्सिमम साउंड सुनाई थी, कौन सा टाइम है जब दूसरी बार मैक्सिमम साउंड सुनाई थी, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, अपेरेंट टाइम। तो सर अपेरेंट टाइम क्या आने वाला है, डिफरेंस ले लेंगे टी नॉट प्लस डी बाय वी माइनस वी नॉट, स्प्लिट कर लिया इसको मैंने, प्लस वी नॉट टी नॉट बाय वी माइनस वी नॉट माइनस डी बाय वी माइनस वी नॉट, तो इससे कट गया बेटा, बोलो क्लियर है। अब पेरेंट टाइम पीरियड क्या आ चुका है, बोलो बोलो शाबाश टी नॉट। और अब क्या करोगे, इन दोनों में से टी नॉट कॉमन ले लोगे, वी माइनस वी नॉट आप कैल्शियम ले लोगे, कैल्शियम लेने के बाद वी माइनस वी नॉट इधर आएगा, और वी नॉट वी नॉट कट जाएगा, ऊपर आएगा वी, बोलो क्लियर। तो ये अपेरेंट टाइम पीरियड आ गया। अब अपेरेंट टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है सर, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आने वाली है एफ अपेरेंट इज इक्वल टू एफ नॉट, इसका रेसिप्रोकल किया एफ अपेरेंट, टी नॉट का रेसिप्रोकल किया एफ नॉट, इसका रेसिप्रोकल करूंगा आ जाएगा वी माइनस वी नॉट अपॉन वी, बोलो क्लियर है। दिस इज अपेरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, बोलो क्लियर है। होप करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट हम कंक्लूड कर लेते हैं फाइनली, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो पहले, ले लिया, बहुत बढ़िया। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट कंक्लूड करने वाला हूँ और आपको फाइनल रिजल्ट बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। फाइनल रिजल्ट में ये है सर, जब सोर्स चलता है, सोर्स इज मूविंग, जब सोर्स चलता है, अब सोर्स दो तरीके से चल सकता है, ये तो ऑब्जर्वर है रेस्ट पे है, और सोर्स चल सकता है एक तो ऑब्जर्वर की तरफ आए, ठीक है, एक केस, और एक केस में सोर्स क्या करे बेटा, ऑब्जर्वर से दूर जाए, बोलो क्लियर। एक केस तो ये हुआ, और जब ऑब्जर्वर चलता है, ऑब्जर्वर इज मूविंग, और सोर्स नहीं चलेगा, अब सोर्स नहीं चलेगा तो सोर्स तो यहीं खड़ा है बेटा। अब ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के पास दो रास्ते, एक तो ऑब्जर्वर क्या करे बेटा, पास आए सोर्स के, और एक रास्ता ये कि ऑब्जर्वर क्या करे बेटा, सोर्स से दूर जाए, बोलो क्लियर है। अब हमने चारों केस ही पढ़ चुके हैं हम, ठीक है ना, वन बाय वन इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी आई थी एफ अपेरेंट इज इक्वल टू एफ नॉट इनटू समथिंग, उस समथिंग में क्या था बेटा, उस समथिंग में क्या था, देखो सोर्स इधर चल रहा है, ठीक है, और साउंड की स्पीड भी इधर है, ठीक है, तो आया था हमारे पास, इनके बीच में रिलेटिव लगा दो, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, ऊपर लग दो साउंड की स्पीड और इनके बीच में रिलेटिव लगा दो वी माइनस वी एस, क्लियर है। ऐसे यहाँ पर अब साउंड इधर चलनी है, ऑब्जर्वर तो इधर है और सोर्स इधर चलना है, तो अपेरेंट क्या आएगा, एफ नॉट वी अपॉन, इनके बीच में रिलेटिव लगा दो वी प्लस वी एस, बोलो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे बात करते हैं तो अपेरेंट क्या आया था, ऑब्जर्वर याद करो ऊपर आता था, सोर्स डिनोमिनेटर में आता था, है ना, लास्ट वीडियो में आपको सोर्स के बारे में बताया था, सोर्स का देखना फॉर्मूले डिनोमिनेटर में थे, है ना, और ऑब्जर्वर के पढ़ाए मैंने इस वीडियो में देखो न्यूमिनेटर में होंगे, ठीक है ना, तो सोर्स के डिनोमिनेटर में
ऑब्जर्वर के न्यूमिनेटर में, तो एफ नॉट, आप समझो साउंड इधर जा रही है तो इनके बीच में रिलेटिव लगा दो, वी प्लस वी नॉट अपॉन वी, और न्यूमिनेटर में रखना है इसको, बिल्कुल सही बात है। और एफ अपेरेंट यहाँ क्या आएगा सर, अब साउंड इधर चलनी है, जल्दी बोलो, एफ नॉट वी माइनस वी नॉट अपॉन वी। आपको समझ में आ गया कब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है कब फ्रीक्वेंसी घट रही है, आप बहुत आसानी से देख के बता सकते हो, बोलो क्लियर है। तो ये मैंने आपको चारों केस एकदम से समराइज कर दिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या लेके आऊंगा बेटा, नेक्स्ट वीडियो में सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों को मूव करूंगा और उसके सारे केसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल फाइनल वीडियो होगी जिसमें आपको डॉपलर इफेक्ट के सोर्स ऑब्जर्वर चलने पर सारे इफेक्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलो होप करता हूँ आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।